शिवाक्षी यस yes, सर शिवाक्षी बड़ा यूनिक सा नाम है क्या मतलब होता है इसका सर थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिव कौन है लॉर्ड शिवा सर शिव की ना उत्पत्ति मानी जाती है ना अंत माना जाता है दिस इज समथिंग इनफाइनाइट पावर सर मैं समझती हूँ शिव और शंकर दोनों एक ही है यस yes, सर पक्का कोई अंतर नहीं है सर मुझे जितना ध्यान है एक ही है ठीक है आज जयपुर में कोविड के कितने केस आए हैं सर सिक्स फिफ्टी सिक्स आए हैं आज या कल सर कल आए कल आए ये बताइए कि जयपुर का इस समय पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है सर 595 नाइन राजस्थान का सर 200 200 टू yes, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं सर आपके डीएम का क्या नाम है सर श्री अंतर सिंह नेहरा एमपी का क्या नाम है सर एमपी पी श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर एंड श्री रामचरण बोहरा सी एम सर श्री अशोक गहलोत इनका डेट ऑफ बर्थ सॉरी थर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा कब है ठीक है गेट का फुल फॉर्म क्या है सर जनरल टेस्ट इन इंजीनियरिंग और इसको क्लियर करने से क्या फायदे होते हैं सर इसको क्लियर करने के बाद में हम एम में एडमिशन ले सकते हैं किसी अच्छे कॉलेज में एंड सर पी में भी जॉब मिल सकती है तो गेट के अलावा इस तरह की और कौन सी परीक्षा होती है जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी देते हैं सर जेईन का एग्जाम होता है आर कंडक्ट करवाता है इवन सर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी ऐसे एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाते हैं सर इसके अलावा पर्टिकुलर कॉलेजेस के एमटेक जो एडमिशंस हैं उसके लिए अलग से एग्जाम्स होते हैं तो आपने जॉब के लिए और कोई एग्जाम दिया इंजीनियरिंग सर्विस के भी एग्जाम होते हैं नो सर मैंने नहीं दिया तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपने उसी फील्ड में अपने करियर करने का प्रयास नहीं किया सर इसीलिए मैंने गेट दिया था बट मेरा हमेशा से एम सिविल सर्विसेज में जाना था तो हमेशा से जब था तो इंजीनियरिंग क्यों किया सर एक जॉब सिक्योरिटी के लिए कि जॉब मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं अच्छे से एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। ओके। क्या होता है जी सर अल्गोरिदम किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए या किसी भी कोड को रन करने के लिए जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है सर वो अल्गोरिदम्स होते हैं मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में इनरोलमेंट रेशियो बड़ा कम है yes, आप ऐसे तहसील में जाती हैं डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं जहाँ पे एनरोलमेंट रेशो बहुत कम है यस yes, सर और सबने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है yes, तो उसके लिए क्या अल्गोरिदम होगा आपके पास सर जो भी टीसी और सर जो भी एडमिशन है उन सभी को ऑनलाइन करने का मैं प्रयास करूंगी ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ पे एनरोलमेंट कम हो रहा है और किन किन लोगों ने ड्रॉप आउट किया है सर इसके अलावा मैं ये कर सकती हूँ कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है कि कितने लोग कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं नहीं अटेंड कर पा रहे हैं ठीक है उसको इंक्रीज करने के लिए आपके पास क्या होगा Sir, उसके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके लिए अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है तो इसके अलावा मीना मंच और अध्यापिका मंच भी राजस्थान में कार्यरत हैं, जो कि ड्रॉप आउट रेशियो कम करने के लिए एक अच्छा साधन माना जा सकता है ठीक है शिवाक्षी जी यस सर जयपुर से हैं आप यस सर जयपुर के संस्थापक कौन थे सर uh, सवाई जय सिंह थे ठीक है अभी ये बताइए कि वर्तमान में भारत में यस yes, सर ये जो यौन उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं क्या ये घर से स्टार्ट हो रहा है स्कूल से स्टार्ट हो रहा है या सामाजिक स्तर पर सर इसके बहुत से कारण हो सकते हैं सर अगर हम बात करें यौन उत्पीड़न के मामलों की सर कहीं ना कहीं ऐसे माइंडसेट क्रिएटेड हैं कि जो विमेन है उसको कंप्लेन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता अगर वो किसी भी सिचुएशन में फंसती है तो उसको कंप्लेन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता उनको दबा दिया जाता है सर और बहुत सी चीज़ें हो सकती है जैसे वो कहीं भी कार्य करती है तो आ, उनको जो आ, राइट्स है, वो है। हैं वो इक्वल नहीं दिए जाते हैं राजस्थान में कितने संभाग है राजस्थान के कितने दुर्ग हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया सर छह दुर्ग नाम बताइए सर कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ रंथम आमेर महल सर सर मुझे दो याद नहीं आ रहे आमिर आमिर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक माता जी का मंदिर है यस yes, सर शिला माता यस yes, सर किसने बनवाया था ये बता दीजिए सर मान सिंह मान जी ठीक पे गई होंगे आप यस yes, सर हाईवेज पे सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी सर हाईवे uh, पे सर एक्सीडेंट्स के भी मामले हो सकते हैं Second. क्योंकि टू व्हीलर्स भी वहाँ पर सेकेंड uh, और सर मेरी चलिए